ये है 19 साल का अभिषेक मलिक उर्फ मोनू। इस मासूम से चेहरे को गौर से देखिए, क्या इसकी सूरत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके हाथ चार चार लोगों के खून से रंगे होंगे? नहीं ना, लेकिन ये सच है। ओ मेरी जान, जो छोड़ के जाते हैं ना वो अपने नहीं होते, सो जो छोड़ के जा रहे हैं उनको। फिलहाल अभिषेक मलिक पुलिस की गिरफ्त में है। रोहतक पुलिस ने उसे चार लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब आपको ये पता चलेगा कि जिन चार लोगों की इसने जान ली है वो लोग कौन हैं, तो आपको इस मासूम चेहरे से नफरत हो जाएगी। इसने जिन चार लोगों को मौत के घाट उतारा है उनमें से सबसे पहला नाम है तमन्ना उर्फ नेहा का, जो इसकी सगी बहन थी। दूसरा नाम है संतोष उर्फ बबली का, ये वही माँ है जिसने इसको जन्म दिया था। अभिषेक ने अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू की भी जान ले ली। इसके अलावा इस पर अपनी नानी रोशनी की हत्या का भी आरोप है। और इन चार लोगों की हत्या अभिषेक ने क्यों की, वो वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। विजयनगर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप और बबलू, उनकी पत्नी बबली और प्रदीप की सास रोशनी की 27 अगस्त को उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप मलिक की बेटी तमन्ना और नेहा को भी गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन बाद उसने भी दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब अभिषेक भी वहां आ गया और रोने का नाटक करने लगा। हत्या के तरीके को देखकर पुलिस को शक था कि इस वारदात के पीछे किसी नज़दीकी का ही हाथ है। हत्या वाले दिन अभिषेक बार बार बेहोश हो रहा था। इसी दौरान पुलिस ने अभिषेक के हाथ धुलवाए थे, लेकिन यह पानी नहीं था बल्कि गन पाउडर पहचानने वाला केमिकल था, लेकिन इस बात का अभिषेक को पता नहीं चल पाया। पुलिस को इस केमिकल से कुछ सबूत मिले थे। इसके अलावा पुलिस ने वारदात वाली जगह से मिले जूते के निशान के सैंपल भी लिए थे। ऐसे में सबसे पहले पुलिस अधिकारियों ने अभिषेक से ही पूछताछ की। अभिषेक ने जो बातें बताईं उन्हें पुलिस ने वेरीफाई किया तो वो सब बातें झूठ साबित हुईं। पूछताछ का ये सिलसिला 2 दिनों तक चला। अभिषेक ने इस हत्याकांड के लिए 2 लोगों पर शक जताया था, जिनमें से एक कन्हेली का रहने वाला युवक है और दूसरा गांधी कैंप का एक कबाड़ी। पुलिस ने इन दोनों से भी पूछताछ की, लेकिन उनका इस वारदात से कोई संबंध नहीं निकला। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसका मिलान किया तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। बाद में अभिषेक से पुलिस वाली असली पूछताछ शुरू हुई तो सारी कहानी सामने आ गई। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि 27 तारीख को एक रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। दरअसल हुआ ये था कि 2.5 साल पहले दिल्ली में एक कोर्स के दौरान अभिषेक और मोनू की दोस्ती नैनीताल के रहने वाले कार्तिक से हो गई थी और वो अपने उसी दोस्त के साथ विदेश भाग जाना चाहता था। मोनू ने अपने सीने पर उसके नाम का टैटू भी गुदवा रखा था। इसी के चलते मोनू अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था, जिसके ऑपरेशन के लिए उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वह पिछले 1 साल से इंटरनेट पर इस सर्जरी के लिए जानकारी जुटा रहा था, लेकिन जब उसके पिता और परिवार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मोनू की पिटाई कर दी। इसके बाद खर्च करने के लिए रुपये देने भी बंद कर दिए। इससे नाराज अभिषेक ने परिवार को सबक सिखाने की ठान ली। अभिषेक 26 अगस्त को ही पूरे परिवार की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसके पिता बबलू मलिक के एक परिचित ऐन वक्त पर मिलने आ गए, जिस वजह से वो वारदात को अंजाम नहीं दे सका।
इसके अगले दिन उसने 11:30 बजे ही एक एक करके चारों को गोली मार दी। उसकी बहन सो रही थी, सबसे पहले मोनू ने उसे ही गोली मारी। आवाज़ सुनकर नानी आई तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया और पीछे से ही नानी के सिर में गोली मार दी। इसके कुछ ही मिनटों के बाद उसने अपनी माँ और पिता बबलू की भी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने सबसे पहले अपने पिता के हाथ से करीब 11 तोले का सोने का कड़ा निकाल लिया। इसके बाद मोनू ने अपनी माँ के गले से चैन और मंगलसूत्र भी उतार लिए। मौका पाकर उसने ये सब गहने एक थैले में बांध कर साथ वाले मकान में छिपा दिए थे। उसका मकसद था कि हत्या के 2-4 दिन बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तो वह जेवरात को बेचकर 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लेगा, लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस के शिकंजे में आ गया। अभिषेक ने हत्या के बाद पिस्तौल एक नहर में फेंक दी थी। 3 सितंबर शुक्रवार को पुलिस अभिषेक को साथ लेकर वहां गई और वह पिस्तौल भी बरामद कर ली, जिससे चारों हत्याएं की गई थी। माँ बाप बहन और नानी की जान लेने वाला अभिषेक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उसके हाव भाव देखकर नहीं लग रहा है कि उसे इन चारों हत्याओं का कोई अफसोस है। खबर ये भी है कि वो अपने दोस्त से मिलने की बात बार बार कर रहा है। आज के इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।